नमस्कार, स्वागत है आपनर वली समाचार मा अने मॉर्निंग बुलेटिन साथे हूँ छु मासूम। समाचारों की शुरुआत करता पहला नजर करिए हेडलाइंस पर। कमोसमी वरसाद थी खेडूतों ने चिंता वधी, ओलपाड़ में वरसाद दे धनादन करी डांगर सहित ना बाघाती पाकों ने नुकसान। केरी ना पाक ने व्यापक नुकसान, डभोई में 100 ने किलो वेचाती केरी ना रुपया 20। अरजी एक विकल्प ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश माटे जिकास में 28 मे सुधी अरजी थशे, 7 जूने मेरिट जाहिर कराशे। एमएसयू में पोर्टल द्वारा विद्यार्थियों ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराई। तालुका ना अंदाजे 55,000 करता वधारे खेडूतो वलभीपुर तालुका में पियत माटे सिंचाई की कोई योजना नहीं। गुजरात में राइट टू एज्युकेशन प्रवेश प्रक्रिया नो बीजो राउंड जाहिर करवामां आव्यो। बीजा राउंड में 3,630 बाळकों ने प्रवेश अपायो। समाचारों की शुरुआत करिए तो 30 जून सुधी में एएमटीएस ना काफला में 200 बस नो उमेरो थशे। आ तमाम बस मार्च पूरी पाड़वानी हती, परंतु समयसर डिलीवरी थई न होवाथी कॉन्ट्राक्टर ने प्रतिदिन बस दीठ 1,000 दंड विलंब बदला करायो छे। नियत मुदत सुधी में बसों नहीं आता एएमटीएस नो आगळनो आयोजन खरवायो छे। म्युनिसिपल टेन्डर बहार पाड्या पछी पण कॉन्ट्राक्टरे 20 मार्च सुधी में 200 बस आपी देवानुं कबूल्युं हतुं। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की असर थी पूर्व राजस्थान तरफ थी गरम सूका पवन गुजरात तरफ फूंकावाना शुरू थता गुरुवार अमदावाद में 43.6 डिग्री गरमी साथ शहर राज्यनुं पण सौथी गरम हतुं। आगामी 3-4 दिवस गरमी 43 डिग्री थी ओछी जवानी शक्यता नहीवत होवानुं हवामान निष्णांतनुं कहेवुं छे। हवामान विभागना आंकड़ाओ मुजब 7 मे शहर में सौथी वधु गरमी नोंधाई हती। हवामान विभाग द्वारा सौराष्ट्र ने मध्य गुजरात जिलाओं में वरसाद की शक्यता व्यक्त करवामां आवी हती, परंतु गुजरात कोईपण शहर में वरसाद वरस्यो होय तेवी घटना बनी नहोती। आ उपरांत हवामान विभाग द्वारा अमदावाद शहर नुं महत्तम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेवानी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी हती। एर इंडिया ने गुरुवार बपोरे अमदावाद थी लंडन जती फ्लाइट में टेक ऑफ पहला जो एंजीन में खामी सर्जाता 256 पेसेंजरो रजड़ी पड़ा, भारे होबाड़ो थयो हतो। सूत्रों जणाव्या अनुसार विमान ना टेक ऑफ लैंडिंग माटे विंग्स पर आवेला अपडाउन थता फ्लेप में प्रेशर जनरेट थतु नहोतु। टेक्निशियनों फ्लाइट रिपेर करवा 2 कलाक मथामण करी, परंतु पेसेंजरो ने बपोरे 3:40 कलाके फ्लाइट रद्द करवामां आवी होवानी जाण करवामां आवी हती। अमदावाद सहित समग्र राज्य में आरटीओ नु सारथी सर्वर मेंटेनेंस ना कारणे बंद रहता 400 अरजदारों ने धक्को पड्यो हतो। सर्वर नु मेंटेनेंस काम चालू होवाना कारणे 2-3 दिवस सुधी वाहन चालको ड्राइविंग टेस्ट आपी शकशे नहीं। लोको सवारथी लाइन में उभा रही पोतानो वारो आवे तेनी राह जोई रह्या हता, परंतु सर्वर बंद थई जता काम धंधो छोड़ीने आवता लोकोने पाछो जवानो वारो आव्यो हतो। धोरण 10 અને 12 નું પરિણામ પ્રસિદ્ધ કર્યા બાદ હવે પૂરક પરીક્ષાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ધોરણ 10 માં 3 અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 2 વિષયોમાં નાપાસ કે ગેરહાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓ જુલાઈ 2024 માં લેવાનાર પૂરક પરીક્ષાના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 22 મે 2024 ના સાંજે 5 કલાક સુધી ભરી શકશે। શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। बीजी तरफ बात करिए तो हवामान विभाग द्वारा भावनगर उपरांत सूरत पोरबंदर कच्छ विस्तार में गर्मी पारो 17 में 2 दिवस दरमियान 41 डिग्री के तेनाथी वधु ऊंचो जवानी आगाही करवामां आवी छे। आगामी 2 दिवस आगाही होवाथी हीटवेवना दिवसों की संख्या हजू पण वधी शके छे, जेमां गर्मी पारो 41 थी 42 डिग्री सुधी जई शके छे। 2 दिवस थी गर्मी में राहत हती, परंतु हवे काळजार गर्मी पुनः प्रारंभ थयो छे। गुजरात में राइट टू एज्युकेशन प्रवेश प्रक्रिया बीजो राउंड जाहिर करवामां आव्यो छे, जेमां वधु 3,630 जेटला बाळकों ने प्रवेश फाळवामां आव्यो छे। बीजा राउंड में प्रवेश मेळवेला विद्यार्थीओए तारीख 20 मे ने सोमवार सुधी में जे ते शाळा में समय दरमियान रूबरू जई जरूरी आधार पुरावा जमा करावीने प्रवेश नियत करावी लेवा ताकीद करवामां आवी छे।
વલ્ભીપુર તાલુકામાં એક પણ પિયત સુવિધા મળી શકે તેવી સિંચાઈ યોજના નથી। તાલુકાના અંદાજે 55,000 કરતા વધારે ખાતેદાર ખેડૂતો છે અને આટલી સંખ્યામાં ખેડૂતો હોવા છતાં ખેતરોમાં પિયત માટે પાણી પૂરું પાડતી હોય તેવી એક પણ સિંચાઈ યોજના તાલુકાની પોતાની નથી। ખેડૂતોને માત્ર નર્મદા કેનાલ ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે। હાલમાં સમગ્ર તાલુકાના ગામડાઓમાં ખેતીની 46,469 હેક્ટર જમીનને માટે સરદાર સરોવર આધારિત નર્મદા કેનાલ પર આધાર રાખવો પડે છે। कॉमन एक्ट ना अमल बाद हवे एमएस यूनिवर्सिटी सहित 15 यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेस पोर्टल पर विद्यार्थियों ने प्रवेश अपाशे। आ पोर्टल अंगे की गाइडलाइन गुजरात सरकार शिक्षण विभाग द्वारा जाहिर कराई छे। विनयन विज्ञान वाणिज्य कायदा विनयन तेमज रूरल स्टडीज शारीरिक शिक्षण बीएड तेमज पीएचडी में प्रवेश माटे मात्र जीसीएस पोर्टल में ज रजिस्ट्रेशन कराशे। ડભોઈ તાલુકામાં વાવાઝોડું ફૂંકાતા કેરીના પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું હતું। એક તરફ આ વર્ષે આંબા ઉપર કેરીના પાક ઓછો આવ્યો હોય આંબાવાડીના સંચાલકો પહેલા જ ઓછી આવકને લઈને ચિંતામાં હતા। દરમિયાનમાં હવે વાવાઝોડામાં આંબાવાડીમાં આંબા તેમજ ખરી જવાના કારણે ખેડૂતો પર પડતા પર પાટા જેવો ઘાટ થયો છે। બીજી તરફ ડાંગર સહિતના શાકભાજીના પાકોને પણ વાતાવરણમાં પલટો આવતા વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે। हवामान विभाग द्वारा तारीख 12 થી 16 મે सुधी में वरसाद की आगाही करवामां आवी हती। जे मुजब वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो हतो। सूरत सहित समग्र दक्षिण गुजरात में छेल्ला 2 दिवस थी कमोसमी वरसाद वरसी रह्यो छे। तो गईकाले वहेली सवार थी ओलपाड़ तालुका में काळा दिब्बांक वादळो छवाया हता। तालुकाना अलग अलग गामों में वरसाद वरसवानो शुरू थयो हतो, जेना कारणे गरमी थी तो राहत मळी परंतु खेडूतोनी मुश्किली में वधारो थयो छे। तो आ साथे मॉर्निंग बुलेटिन में अत्यारे बस आटलुं ज। नमस्कार।